Hey guys, press the subscribe button and hit the bell icon to never miss any video regarding photography, editing, videography and cinematography. तो कुछ दिन पहले मैंने अपने Instagram stories में एक फोटो अपलोड की थी which is this and this is a tiny planet effect जो कि अब आपको highlights में एक tiny planet के नाम से मिल जाएगी and इसी फोटो को मैंने अपने कुछ friends को दिखाया and उनसे पूछा कि ये कैसे क्लिक हुई है and somewhere like कि ये drone shot है and कुछ बोल रहे थे कि ये तूने एक 360 कैमरा से ली है but वो बहुत शौक हुए जब मैंने उनको बताया कि मैंने ये फ़ोटो जस्ट एक स्मार्टफोन कैमरा से ली है एंड दे ऑल वर लाइक कि यार हमें भी बता कि ये कैसे लेनी है. सो इस वीडियो में आप इसी के बारे में बताने वाला हूँ. सो हे गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. सो टाइनी प्लानट इफेक्ट स्टार्ट हुआ था 360 कैमराज के साथ, जिसमें 360 कैमरा जैसे कि ये, इसमें आपके दोनों तरफ 180 डिग्री वाइड एंगल लेंस लगे होते हैं जो कि एक साथ दोनों तरफ की फ़ोटो क्लिक करके उसी में ही फ़ोटो को स्टिच करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आपको एक 360 फ़ोटो दे देते हैं एंड उसी 360 फ़ोटो को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक टाइनी प्लानट इफेक्ट में. बट इस केस में मैंने सिर्फ एक फ़ोन से टाइनी प्लानट इफेक्ट बनाया है एंड अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे. सो टाइनी प्लानट इफेक्ट बनाने के लिए आपको एक लेना होगा वाइड पैनोरामा. सो आपको बेसिकली ये पैनोरामा फीचर आपके डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप में ही मिल जाता है. अगर आपके डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप में पैनोरामा बनाने का फीचर नहीं है सो यू कैन यूज़ एन ऐप कॉल्ड गूगल कार्डबोर्ड कैमरा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैं गया था CP एंड वहाँ से मैं क्लिक करके लाया हूँ सम इंटरेस्टिंग वाइड एंगल पैनोरामास टू मेक टाइनी प्लानट इफेक्ट. एंड पैनोरामास क्लिक करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है जिसको मैं बोलता हूँ 3 लेयर्स फार्मूला. तो उसमें आपको, जैसा कि आप इस पैनोरामा में देख रहे हैं, कि आपको ग्राउंड और आपका जो सब्जेक्ट मतलब कि बिल्डिंग्स वगैरह हैं एंड आपका स्काई मोस्टली मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए. मतलब 3 लाइंस आप एक तरीके से इमेजिन कर लीजिए आपके फ्रेम में, तो उसमें आपको तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में रखना है तभी आपका एक अच्छा टाइनी प्लानट इफेक्ट बन पाएगा. एंड आफ्टर क्लिकिंग पैनोरामास आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है विच इज़ टाइनी प्लानट मेकर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एंड मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसके बाद आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे टाइनी प्लानट में कन्वर्ट करना है. तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है एंड प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है टाइनी प्लानट एंड टाइनी प्लानट के रिजल्ट्स में आपको सबसे पहली ऐप मिल जाएगी कॉल्ड टाइनी प्लानट मेकर विच इज़ बाय HOF एप्स एंड इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है. मैंने तो पहले से ही करी हुई है तो मैं इसको यहीं से ओपन कर लेता हूँ एंड आपको बेसिकली आपको ये आपका ऐप का UI मिल जाएगा जिसमें आपको टॉप राइट कॉर्नर में ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा. तो आप इसमें ब्राउज पर क्लिक करके जितने भी आपके रिसेंट फाइल्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी. तो जिसमें से मैं एक कोई भी पैनोरामा चूज़ कर लूँगा जो मेरे को, जिसकी मेरे को टाइनी प्लानट इफेक्ट बनाना है. फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूँगा तो इसको क्लिक करते ही ये आपको बेसिक सा टाइनी प्लानट इफेक्ट दे देगा. तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसमें नीचे और कुछ कंट्रोल्स हैं जैसे कि रैप, रोटेट, जूम, इन्वर्ट एंड क्रॉप. तो आप इनसे प्ले कर सकते हैं जिससे आप मतलब अपने टाइनी प्लानट इफेक्ट को और एनहांस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रैप, तो रैप से आप देखेंगे जैसे कि टाइनी प्लानट में थोड़ा बल्ज इफेक्ट आ रहा है. ओके एंड उसके बाद है रोटेट. रोटेट से आप बेसिकली, जैसे रोटेट नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, रोटेट से आप इसको रोटेट कर सकते हैं. एंड जूम भी बेसिक है, आप इसको जूम कर सकते हैं पर मैं इसको इतना जूम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे केस में एक मेरे फ्रेम में फ्लैग है जिसको मैं चाहता हूँ पूरा वो फ्रेम में रहे एंड एक लैम्प भी है जिसको मैं चाहता हूँ और फ्रेम में रहे. एंड उसके बाद है इन्वर्ट, जिससे आप इसको इन्वर्ट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस. उसके बाद आते हैं हम क्रॉप पे. तो क्रॉप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें फीचर है, जैसे कि आप नीचे इसमें इमेज भी आपको शो हो रही है एंड ऊपर आपको टाइनी प्लानट जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो शो हो रहा है. तो अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग्स है, आप चाहते हैं कि आपकी टाइनी प्लानट में ये बिल्डिंग्स ना आए, तो आप इसको यहीं से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं एंड ऊपर ही आप टाइनी प्लानट में अपने रिजल्ट देख सकते हैं कि आपको बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी वहाँ पर. एंड पर मेरे को यहाँ पर बिल्डिंग्स चाहिए तो मैं इसको क्रॉप नहीं करूँगा. एंड क्रॉप में ही आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा कॉल्ड ब्लेंड इमेज बॉर्डर, तो जिससे आपको ये एक कॉन्ट्रास्टी सा एज दिख रहा है तो वो हट जाएगा आपका. तो इसको क्लिक करने से जैसे आप देख सकते हैं
एकदम ब्लेंड हो जाएगा, यू कैन सी द डिफरेंस। मैं इसको बार बार ऑन ऑफ कर रहा हूँ, एंड उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं इमेज को, जो कि हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मैं इसको यहीं से ओपन कर लेता हूँ। तो ये रही हमारी फाइनल इमेज। सो यही थे कुछ स्टेप्स टाइनी प्लैनेट इफेक्ट बनाने के लिए। सो जाओ अब टाइनी प्लैनेट इफेक्ट बनाओ, एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ताकि उसको मैं रीशेयर कर पाऊँ। एंड आई ऑल्सो नो वन मोर मेथड, एक्चुअली वो एक एडवांस मेथड है, जिससे आपको और बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे आपकी टाइनी प्लैनेट इफेक्ट में, एंड अपने उसमें एनिमेशन भी दे सकते हैं समथिंग लाइक दिस। एंड वो मेथड मैं आपको तभी बताऊंगा जब इस चैनल पे मैं कंप्लीट कर लूँगा 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं करा, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट डाउन बिलो अगर आपका कोई सजेशन है या कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मैं आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय।